नमस्कार, आज का टॉपिक है हमारा पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ड्रग एब्जॉर्प्शन। हम लोगों ने पीछे काफी डिस्कशन कर लिया कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स हमारे बॉडी के में ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। उन फैक्टर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, दो ग्रुप में डिवाइड किया था। एक का नाम दिया गया था फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स और दूसरा का नाम दिया गया था पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स। जो फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स है उनमें सारे फैक्टर्स को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग जो आज न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पेशेंट रिलेटेड फैक्टर दैट अफेक्ट द ड्रग एब्जॉर्प्शन। ये डिस्कशन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि आज ही इस डिस्कशन को कंप्लीट कर ले, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फोर डिस्कशन कर चुके हैं, फोर सीरीज हो चुकी है हमारी, दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ड्रग एब्जॉर्प्शन। ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन है, जो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स है, उनको स्टडी करने से पहले, उनके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो जीआईटी है उस जीआईटी का क्या एनाटॉमी और क्या फिजियोलॉजी है। जब हमें जीआईटी एनाटॉमी फिजियोलॉजी या समझ में आ जाएंगे या हम उस चीज को दोबारा रिवाइज कर लेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो हमें यहाँ पे इस टॉपिक को समझने में आसानी होगी। जो हमारी जीआईटी होती है इसके अंदर जो मेनली थ्री पार्ट्स हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन ये मेजर रोल प्ले करती हैं इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग और इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड कंटेंट। की कोई भी फूड कंटेंट है या कोई भी ड्रग है उसका मेनली जो एब्जॉर्प्शन होती है ओरल रूट से, वो किसके थ्रू होंगी, फ्रॉम द स्टमक और फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन और फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन। तो इन हम सभी का, इन तीनों का हम लोग पहले एनाटॉमी और फिजियोलॉजी थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहला है पॉइंट है दैट इज द स्टमक। स्टमक क्या है कि एक सैक है, एक बैग है जो कि एसिडिक इन नेचर होता है, जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाई जाती है। अब यदि सपोज करें कोई भी ड्रग है, वो ड्रग एसिडिक ड्रग है, वो ड्रग जब हम स्टमक के अंदर एंटर करेगा तो वहां पे क्या होगा, वो ड्रग अनआयनाइज हो जाएगा। और जब जो एसिडिक ड्रग अनआयनाइज फॉर्म में है तो उसका एब्जॉर्प्शन स्टमक से हो जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि जो ड्रग अनआयनाइज होती है उनका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है वो फास्ट होता है कंपेयर टू द आयनाइज्ड ड्रग। अब सपोज करें कोई भी ड्रग है वो आयनाइज्ड हो गई, तो उनका एब्जॉर्प्शन स्टमक से नहीं होगा, उनकी जो एब्जॉर्प्शन होगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होगी। अब यहाँ पे क्या है कि एक रोल इसने स्टमक लेके आपने किया कि जो एसिडिक अनआयनाइज ड्रग है उसको ये एब्जॉर्ब करती है। यहाँ पे दूसरा रोल भी प्ले करता है, सपोज करें कोई ड्रग है वो एसिडिक नहीं है या उनकी पीएच थोड़ी सी ज्यादा है, तो उन ड्रग के ये डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन में हेल्प करती है। मीन्स जो ड्रग स्टमक में रहेंगी तो उन ड्रग और वो एसिडिक नहीं है तो उस मतलब उनकी जो पीएच जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है, तो उस कंडीशन में उस ड्रग का डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन स्टमक के अंदर जाता है। हम सभी को मालूम है कि कोई भी मटेरियल फूड स्टमक से इंटेस्टाइन के अंदर तब एंटर करेंगी जब वो आइदर वो लिक्विड फॉर्म में होंगी या उनका जो पार्टिकल साइज है बहुत ही स्मॉल होगा। मींस यदि सपोज कोई हम लिक्विड डोजेस फॉर्म ले रहे हैं तो वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आसानी से स्टमक से वो इंटेस्टाइन में एंटर कर जाएंगी। लेकिन यदि कोई सॉलिड डोजेस फॉर्म ले रहे हैं तो उसका वो जब तक वो डिसॉल्व डिसोल्यूशन नहीं होगा, जब तक उनके पार्टिकल का साइज 2 mm, पार्टिकल साइज क्या है 2 mm, कि जब तक उनके पार्टिकल साइज 2 mm से कम नहीं आएंगे तब तक वो ड्रग मॉलिक्यूल हमारे स्टमक से इंटेस्टाइन में एंटर नहीं करेंगे। तो स्टमक यहाँ पे दो रोल प्ले किया, एक क्या हुआ कि जो अनआयनाइज्ड एसिडिक ड्रग है उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रही है, और दूसरा जो दूसरे कैटेगरी के सॉलिड ड्रग्स होते हैं उनको डिसइंटीग्रेट और डिसोल्यूशन में हेल्प करती है ताकि वो आसानी से इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर सके, या जो जो जिस ड्रग की सॉल्युबिलिटी कम है वो वहां पे रहेंगे स्टमक के अंदर तो वहां वो डिसॉल्व हो जाएंगे और उनके जब डिसोल्यूशन हो जाएगा उसके बाद वो इंटेस्टाइन में एंटर करती हैं। अब हम आते हैं अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में। हम सभी को मालूम है कि जो मैक्सिमम फूड कंटेंट है, जो भी ड्रग है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती हैं। अब हम लोग पहले ये जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से ड्रग एब्जॉर्ब होती है। तो हम सभी को मालूम है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया ज्यादा होता है और उस सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण स्मॉल इंटेस्टाइन से ड्रग का एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है कंपेयर टू द स्टमक। अब ये सर्फेस एरिया ज्यादा क्यों होता है, तो क्या होगा कि जो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो इंटरनल वॉल होगा, उस इंटरनल वॉल में एक आउटग्रोथ होती है, फोल्ड्स होती हैं। जब वो आउटग्रोथ या जो फोल्ड्स होती हैं उस फोल्ड से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज रहता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि उन फोल्ड के ऊपर वेली होती हैं, और जब उन फोल्ड के ऊपर वेली होंगी, वेली भी एक आउटग्रोथ है, तो उस वेली से सरफेस एरिया और ज्यादा इंक्रीज हो गई। और तीसरा पॉइंट यह होता है कि जो वेली है उस वेली के ऊपर भी एक आउटग्रोथ होती है और उनको लोग कहते हैं माइक्रोवेली। मतलब क्या हुआ, तीन फैक्टर्स यहाँ पे आ गए, पहला तो फोल्ड हुआ, दूसरा वेली बनी और तीसरी माइक्रोवेली बनी, और इन
चीनों ने मिल करके स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया और ये लगभग 600 टाइम्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया होता है वो 600 टाइम्स ज्यादा होता है कंपेयर टू द स्टमक के, और इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन से किसी भी ड्रग या किसी फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है। तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया कि इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन फास्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है, ब्लड सर्कुलेशन है जीआईटी के अंदर, उसमें जो मैक्सिमम ब्लड फ्लो होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, मीन जो ब्लड वेसल्स है स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा होती है, मीन ये ज्यादा वास्कुलर होती है कंपेयर टू द स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन। अब चूंकि वहां ब्लड फ्लो ज्यादा है तो वहां से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी फास्ट होगा। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है उन सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू द लार्ज इंटेस्टाइन सेल मेम्ब्रेन और स्टमक सेल मेम्ब्रेन। अब चूंकि यहां की इनकी परमेबिलिटी ज्यादा है तो वहां से नेचुरल है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी फास्ट होगा। और चौथा पॉइंट क्या होता है कि जो यहां पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है वो स्लो होती है कंपेयर टू द स्टमक, मींस जो कोई भी फूड मटेरियल है या कोई भी ड्रग है वो इंटेस्टाइन में ज्यादा टाइम तक रहेंगी कंपेयर टू द स्टमक, इसके चलते यहाँ पे जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है, जो फूड का एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा होंगी कंपेयर टू द स्टमक। अब उन्होंने क्या क्या कितने फैक्टर्स हो गए जो इंटेस्टाइन के रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करवा रही है, वो फोर फैक्टर्स हो गए। पहला हो गया सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, दूसरा हो गया ब्लड फ्लो मीन्स वो ज्यादा वास्कुलर है, तीसरा क्या हो गया कि वहाँ पर स्टार्टिंग मूवमेंट स्लो होती है, और चौथा क्या होगा कि उनका जो सेल मेम्ब्रेन है उनकी परमेबिलिटी ज्यादा होती है और इसके चलते यहाँ से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी फास्ट होगा कंपेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम आते हैं अपने लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया कम हो जाता है, कम क्यों हो जाता है क्योंकि यहाँ पे विली या मैक्रोविली नहीं पाई जाती है, जब विली और मैक्रोविली नहीं पाई जाएंगी तो ऑटोमेटिकली इनका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जैसे जैसे फूड स्टमक से नीचे की तरफ मूव करती है वैसे वैसे उनकी जो एसिडिटी होती है वो कम होती चली जाती है और अल्कलिनिटी बढ़ती चली जाती है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन से मेनली जो वाटर है उनकी एब्जॉर्प्शन होती है, या जो कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हैं, मेनली हम कहेंगे कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन से होती हैं। कुछ ड्रग्स हैं जिनका डिसोल्यूशन रेट कम है, जिनका सोल्यूशन जिनकी जो सॉल्युबिलिटी बहुत ही लो है, उनकी एब्जॉर्प्शन भी लार्ज इंटेस्टाइन से हो जाती है। उसका कारण ये होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड मैटर है, जो ड्रग है, वो बहुत लंबे समय तक रहता है, लगभग 6 to 12 आवर तक के जो फूड कंटेंट है या जो ड्रग है वो लार्ज इंटेस्टाइन में रहेगा। तो मीन्स क्या होगा कि जो कोई ड्रग है जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है तो वो धीरे धीरे जब तक वो सॉल्युबल होगा नहीं वो एब्जॉर्ब होगा नहीं और नीचे की मूव होता रहेगा, लेकिन जब हमारे कोलोन में पहुंचेंगे या हमारे लार्ज इंटेस्टाइन पहुंचेंगे तो वो ड्रग डिसॉल्व हो जाएंगे और उनके एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन से हो जाती है। तो ये सारे हमारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गई रिगार्डिंग द स्टमक इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स हमारे या कौन कौन से पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। पहले उन फैक्टर्स को मैं पॉइंट आउट करता हूं, उनका नाम मैं यहां पे ले लेता हूं, उसके बाद फिर हम उनको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है दैट इज द एज ऑफ द पेशेंट, दूसरा है गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग, तीसरा है इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम, चौथा है जीआईटी पीएच, पांचवा है जीआईटी ब्लड फ्लो, छठा है जीआईटी कंटेंट, सातवां है जीआईटी डिजीज कंडीशन और आठवां है प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, एज, गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग, इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम, जीआईटी पीएच, जीआईटी ब्लड फ्लो, जीआईटी डिजीज, जीआईटी कंटेंट्स एंड प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म। अब हम लोग एक एक करके इनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, इनको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, एज, एज ऑफ द पेशेंट। हमारे मेडिकल फील्ड में जो ही पेशेंट आते हैं उन पेशेंट को मेनली हम लोग 3 ग्रुप से डिवाइड करते हैं, एक इन्फेंट, दूसरा एडल्ट और तीसरा एल्डर पेशेंट। अब यहाँ पे एडल्ट को हम एक स्टैंडर्ड मानते हैं, एडल्ट का स्टैंडर्ड मानते हुए इन्फेंट का और एल्डर पेशेंट का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को कंपेयर करते हैं। सबसे पहला इन्फेंट, इन्फेंट में होता क्या है कि वहां पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्लो होता है, ड्रग का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्लो होगा। स्लो क्यों होता है, क्योंकि वहां पे जो गैस्ट्रिक पीएच है वो गैस्ट्रिक पीएच ज्यादा होती है, वहां पे उनके बॉडी का जो सरफेस जीआईटी सरफेस एरिया है या गैस्ट्रिक जीआईटी सरफेस एरिया जो होगा वो जीआईटी सरफेस एरिया कम होता है और वहां पे जीआईटी के अंदर ब्लड फ्लो मीन जो वास्कुलर है जो ब्लड फ्लो है वो ब्लड फ्लो भी कम होती है। हाई गैस्ट्रिक पीएच
low blood flow and low surface GIT surface area, इन तीनों के चलते जो infant होंगे वहाँ पे absorption slow होंगे compared to the adult. अब हम अपने elder patient में आते हैं. Elder patient में भी जो rate of absorption होती है वो change हो जाती है. उसका change होने का main कारण क्या है कि उनका जो gastric emptying rate है, जो peristaltic movement होती है वो peristaltic movement slow हो जाती है, जो gastric emptying है वो rate कम हो जाती है, जो gastric emptying आसानी से नहीं होता. दूसरा कि जो GIT का surface area है, GIT का surface area भी कम हो जाता है. जो GIT के अंदर blood flow है, blood flow भी कम हो जाती है. वहाँ पे एक chlorhydrate develop हो जाती है, means stomach के अंदर acid की कमी हो जाती है. और लास्ट पॉइंट हो गया कि जो small intestine होता है वहाँ पे bacterial growth ज़्यादा हो जाती है. और जब वहाँ bacterial growth ज़्यादा हो जाएंगे तो ये सारे के सारे जो factors हैं वो मिल करके alter कर देंगे, rate of absorption को change कर देंगे in the elder patient. तो हमने जान लिया कि age का क्या effect है in the infant and in the elders. अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, दैट इज द गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग. गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग का मतलब क्या होता है कि जब कोई फूड कंटेनर जो ड्रग जीआईटी से सॉरी स्टमक से निकल के इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, इट इज द गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग. अब एक थंब रूल है कि जिस ड्रग की गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग फास्ट होगी, मींस यदि वो रैपिड गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग होगी तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी रैपिड होगी. मींस यदि गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग फास्ट है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी फास्ट है. ये थंब रूल है किसी भी ड्रग के लिए. अब क्या होता है कि जो ड्रग हम जब दे रहे होते हैं तो कुछ कंडीशन ऐसा होगा जहां पे ये एडवाइस किया जाएगा कि जीआईटी एम्प्टीइंग फास्ट होनी चाहिए, मींस बहुत जल्द से जल्द ड्रग जीआईटी से निकल के इंटेस्टाइन में एंटर कर जाए. और कुछ कंडीशन ऐसे भी हो सकती हैं जहां ये एडवाइस किया जाता है कि जो जीआईटी है उस जीआईटी में कंटेंट उस जीआईटी के अंदर ड्रग ज्यादा रहे फॉर देयर बेटर एब्जॉर्प्शन. अब जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि हम किसी एलोपैथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो यूजुअली हमें क्या एडवाइस दी जाती है कि आपको जो फूड लेना है वो फूड आपको जो ड्रग लेना है आफ्टर मील आफ्टर द फूड बल फूड लेने वाले खाली पेट एम्प्टी स्टमक में ड्रग नहीं लेनी है. वहीं जब हम होम्योपैथ में जाते हैं आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनका एडवाइस होता है कि आपको ड्रग एम्प्टी स्टमक में लेना है. अब यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया कि एलोपैथ डॉक्टर जो बोल रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट होम्योपैथ या आयुर्वेद डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं. अब हम लोग आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किस कंडीशन में एम्प्टी स्टमक में ड्रग लेनी है और किस कंडीशन में हमें फुल स्टमक में ड्रग लेनी है. यदि हमें एम्प्टीइंग रेट फास्ट करनी है, मींस किस कंडीशन में एम्प्टीइंग रेट फास्ट होगा, तो सबसे पहला सिंपल सी बात है कि गैस्ट्रिक एम्प्टी हो, स्टमक के अंदर कुछ भी ना हो, तो वहां पे जो गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग रेट होंगी वो गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग रेट फास्ट हो जाएंगे. अब ये गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग रेट फास्ट कब आ सकता होती है, सपोज करें कि हमें कोई ड्रग है उसका क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन करवानी है, मींस बहुत जल्दी उसको जीआईटी से एब्जॉर्ब करवानी है, तो उस ड्रग को हमें एम्प्टी स्टमक में देनी होती है. दूसरा सपोज करें कोई ड्रग एंटेरिकोटेड टैबलेट है, यदि वो एंटेरिकोटेड टैबलेट है तो एम्प्टी स्टमक में देने पे ज्यादा इजीली वो आसानी से इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर जाएंगे. तीसरा पॉइंट हो गया कि सपोज करें कोई ड्रग है वो एसिड सेंसिटिव है, जैसे पेनिसिलिन जी हो गई, या कोई ड्रग है जैसे एरिथ्रोमाइसिन हो गई, तो जो एसिड सेंसिटिव ड्रग होगा वहां पर भी हमारी यही कोशिश होगी कि जल्द से जल्द स्टमक एनवायरमेंट से निकल के इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर जाए. तो और सपोज करें कि कोई ड्रग ऐसा है जिसका एब्जॉर्प्शन हमारी लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन के डिस्टल पार्ट में हो रही है, दो पार्ट हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन के, एक का नाम देंगे प्रॉक्सिमल पार्ट, दूसरे का नाम देंगे डिस्टल पार्ट. यदि सपोज करें कोई ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन डिस्टल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन होनी होती है तो उस ड्रग की भी एम्प्टीइंग फास्ट होनी चाहिए, मीन्स हम उसको एम्प्टी स्टमक में देंगे ताकि वो आसानी से ड्रग स्टमक से निकल करके इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर जाए. अब वो कौन सी कंडीशंस होंगी जहां पे एडवाइजेबल होगा कि ड्रग की गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग को स्लो करना है. सबसे पहला पॉइंट कि जीआईटी के अंदर फूड है, जीआईटी के यदि हम ड्रग को फूड कंटेंट के साथ देंगे तो वो जीआईटी की एम्प्टीइंग रेट जो होंगी वो एम्प्टीइंग रेट स्लो हो जाएंगी, और जब एम्प्टीइंग रेट स्लो हो जाएंगी तो वो ज्यादा देर तक स्टमक में रहेंगी और वो थोड़ी देर के बाद वो इंटेस्टाइन में एंटर करेंगी. तो अब कौन कौन से ऐसा कंडीशन है जहां पे हम जीआईटी के एम्प्टीइंग रेट को स्लो करते हैं, मींस ड्रग को फूड के साथ एडमिनिस्टर करते हैं या जस्ट फूड के बाद देते हैं. अब जैसे यहाँ पे से लिखा हुआ है, सपोज करें कोई ड्रग है वो ड्रग की सॉल्युबिलिटी लो है,
तो हमारी क्या कोशिश होगी कि ड्रग पहले डिजोल्व हो जाओ। डिजोल्व कहाँ पे हो रहा है? वो स्टमक में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फास्ट होगी, तो स्टमक के अंदर ड्रग का डिसइंटीग्रेशन और डिजोल्यूशन भी फास्ट होगा। तो वो ड्रग यदि स्लो सॉल्युबिलिटी उसकी है तो ज़्यादा देर तक स्टमक में रहेंगी, तो उसकी डिजोल्यूशन वहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, पोअर सॉल्युबिलिटी बात। सपोज करें कोई ऐसा ड्रग है जो ड्रग जीआईटी के म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट कर रहा है, मीन्स यदि आपने एम्प्टी स्टमक में उस ड्रग को दे दिया तो वहाँ जीआईटी के मेम्ब्रेन को इरिटेट कर देगा और वॉमिटिंग या डायरिया की टेंडेंसी आ सकती है। यदि कोई जीआईटी इरिटेटिंग ड्रग है तो उस कंडीशन में उसे हमने फूड के साथ या जस्ट आफ्टर फूड प्रेस्क्राइब करते हैं। यदि सपोज करें कोई ऐसा ड्रग है जिस ड्रग के एब्जॉर्प्शन हमें प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन से लेनी है, मीन्स कि उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हो रही है, उस कंडीशन में क्या होगा कि ड्रग धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करनी चाहिए ताकि वो एंटर करे और एब्जॉर्ब होता है। यदि एक ही बार में सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा तो ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगा और प्रॉक्सिमल पार्ट से वो ड्रग मूव कर जाएगा टुवर्ड्स द डिस्टल इंटेस्टाइनल पार्ट। तो इस कंडीशन में भी हम ड्रग को कब देंगे, तो विद द फूड या जस्ट आफ्टर द फूड। मीन्स ये सारे पॉइंट्स हो गए कि हमें स्टमक में डिजोल्व करवानी है, कोई स्लो ऐसा पोअरली सॉल्युबल ड्रग है या जिसका एब्जॉर्प्शन रेट बहुत स्लो प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन में हो रही है, या ड्रग हमारी जीआईटी को इरिटेट कर रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हम ड्रग को हम ये एडवाइस करेंगे कि विद द फूड या आफ्टर द फूड हमें ड्रग पेशेंट को देना चाहिए। अब ये सारी कंडीशंस हुई कि कौन सा कंडीशंस है जिस कंडीशन में हम ड्रग देंगे। अब हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स जीआईटी से फूड को एब्जॉर्ब होने में इंटरफेयर करेंगे या अपना रोल प्ले करेंगी, या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन से, नॉट ऑन जीआईटी हम वर्ड यूज नहीं करें, हम वर्ड यूज करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स स्मॉल इंटेस्टाइन से ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। तो वो फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है हमारे, जैसे हमने लिखा हुआ हमारा कि मील कंपोजिशन, कि हम जो फूड ले रहे हैं उस फूड का क्या कंपोजिशन है, मील वॉल्यूम उसका कितना वॉल्यूम है, उसका क्या फेज है, वो सॉलिड में है या लिक्विड में है, जो लिक्विड में है तो उसकी क्या विस्कोसिटी है, उसके अंदर कितनी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उसके अंदर हमारी बॉडी का पोस्चर क्या है, जीआईटी का पीएच क्या है, हमारी जो इमोशनल स्टेट क्या है, हमारी बॉडी की एक्सरसाइज है क्या है, डिजीज कंडीशंस, ड्रग्स, ये सारी जो फैक्टर्स हैं ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करती हैं गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग को, कि वो ये फैक्टर्स उनके गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग को इंक्रीज भी कर सकती हैं और उनको डिक्रीज भी कर सकती हैं। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्या हुआ, मैं फैक्टर्स के बारे में फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। पहला फैक्टर क्या हो गया, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द मील। दूसरा हो गया कंपोजिशन ऑफ द मील। तीसरा हो गया सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट ऑफ द मील या विस्कोसिटी ऑफ द मील। जीआईटी पीएच, डिजीज कंडीशन, मेंटल इमोशनल कंडीशन, इसके अलावा और क्या क्या हो गया, हमारा बॉडी पॉस्चर, ड्रग, ये जो सारी फैक्टर्स हैं ये सारी फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो इस तरह हमने देखा और हम लोग एक एक करके इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम अफेक्ट कर रहा है, किस तरह बॉडी प्रेशर, बॉडी पॉस्चर, इमोशनल स्टेट, डिजीज कंडीशन, एक्सरसाइज एंड ड्रग्स, ये 11 पॉइंट है जो अफेक्ट करती हैं गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग को। ये गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग को इंक्रीज भी कर सकती है और गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग को डिक्रीज भी कर सकती है। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो फैक्टर्स हैं वो किस तरह से गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग को इंक्रीज कर रही है या गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग को डिक्रीज कर रही है। सबसे पहला पॉइंट है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ मील। यदि कोई ड्रग कंटेंट है या कोई भी ड्रग है, कोई भी हम फूड दे रहे हैं बॉडी के अंदर, यदि वहाँ पे वॉल्यूम उसकी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे जो एम्प्टीइंग रेट होगी वो एम्प्टीइंग रेट स्लो हो जाएंगी, जो गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग रेट है वो गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग रेट स्लो हो जाएंगी, ये थंब रूल है। दूसरा पॉइंट हो गया कंपोजिशन ऑफ द मील, कि जब हम फूड ले रहे होते हैं तो फूड की जो कंपोजिशन है वो भी अफेक्ट करती है गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग को। जो फूड हमारी मेनली कौन कौन सी है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो सबसे ज़्यादा जो फास्ट गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग होगी वो कार्बोहाइड्रेट की होगी, उसके बाद प्रोटीन की होगी, उसके बाद फैट की होगी, मीन जो फैट होगा वो गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग को स्लो डाउन कर देता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो फैटी फूड्स होते हैं, वो फैटी फूड से बाइल के सेक्रेशन को प्रमोट करते हैं और बाइल की भी एक ये इफेक्ट होती है कि वो एम्प्टीइंग रेट को स्लो डाउन कर देता है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को स्लो डाउन कर देती है।
तीसरा पॉइंट हो गया हमारा फिजिकल स्टेट और द ऑफ द मील, कि जो मील है उसका फिजिकल स्टेट क्या है, वो लिक्विड कंडीशन में है या सॉलिड कंडीशन में है। यदि वो लिक्विड कंडीशन में है तो बहुत आसानी से स्टमक से बहुत इजीली या बहुत जल्दी वो स्टमक से इंटेस्टाइन में एंटर कर जाएंगे, मीन्स उसकी जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होगी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग फास्ट होगी। लेकिन यदि लिक्विड की हम विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देंगे, जैसे जैसे विस्कोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी वैसे वैसे जो एम्प्टिंग रेट होगी वो एम्प्टिंग रेट स्लो होती चली जाएंगी, और जो सॉलिड फूड होती हैं सॉलिड फूड की भी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट स्लो हो जाती हैं, और वो तब तक वो इंटेस्टाइन में एंटर नहीं करेंगे, हम पहले जान चुके हैं, जब तक उस सॉलिड का जो मॉलिक्यूल पार्टिकल साइज है वो पार्टिकल साइज 2 mm या उससे कम ना हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द मील। जब मान ली कोई भी फूड ले रहे हैं वो फूड हाई टेम्परेचर हो या लो टेम्परेचर है, दोनों की फूड होती हैं वो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो डाउन कर देती हैं। सिर्फ जो वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर वैसा फूड या वैसा मील जिसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बराबर होगा वो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को प्रमोट करती हैं, बाकी जो दोनों फूड हैं हाई टेम्परेचर की हो या लो टेम्परेचर की हो वो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट को स्लो डाउन कर देंगे। जी आई टी पी एच में क्या कहा गया कि GITPH मतलब कि जो हमारी जो स्टमक है, यदि स्टमक की पीएच एसिडिक होगी तो वहाँ गैस्ट्रिक एम्प्टिंग डिले हो जाएगी, यदि वहाँ पे अल्कलाइन होगी तो उसका गैस्ट्रिक एम्प्टिंग फास्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स, यदि हम अपने उस फूड के साथ वाटर का अमाउंट ज़्यादा है आइसोटॉनिक सॉल्यूशन के फॉर्म में है या डाइल्यूट सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो वहाँ पे जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होगी वो फास्ट होगी, लेकिन यदि वहाँ पे वो हम हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन दे रहे हैं या वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन दे रहे हैं या इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग हो जाएंगी और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो हो जाएंगी। बॉडी पोस्चर, यदि हम स्टैंडिंग पोजीशन में होंगे तो वहाँ गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट फास्ट होगा, और हम जब राइट साइड में लाइंग पोजीशन में और राइट साइड में लाइंग पोजीशन में है तो वहाँ पर भी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जो होगी वो फास्ट हो जाएगी। इमोशनल स्टेट, जो इमोशन होती है, जो एंग्जाइटी होती है, जो वरीज होती है वो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट को स्लो डाउन करती हैं। डिजीज स्टेट जो होती है वो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट को फास्ट कर देती हैं। एक्सरसाइज, जो विगरस एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट स्लो हो जाती हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट आया दैट इज द ड्रग्स, तो जो ड्रग्स होती हैं उन ड्रग्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ड्रग्स के नेचर के ऊपर, कुछ ड्रग्स ऐसे होंगे जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को फास्ट कर देंगे और कुछ ड्रग्स ऐसे होंगे जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो डाउन कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास कोई एंटासिड है वो कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड है तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो कर देंगे, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है या नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग है, मतलब ऐसे बहुत सारे ड्रग्स होंगे जो ड्रग्स हो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट को स्लो डाउन कर देती है। ठीक उस चीज का पॉजिटिव, सपोज कोई ड्रग है लैक्सेटिव है या परगेटिव है या अल्कलाइन ड्रग है तो वो ड्रग क्या करेंगे कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट को फास्ट कर देंगे। तीसरा उन्होंने जान लिया कि ये जो फैक्टर्स हैं ये फैक्टर्स गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट को इंक्रीज भी कर सकती हैं और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट को डिक्रीज भी कर सकती हैं, और हमने इसे कंप्लीट किया वो हमारी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग फैक्टर्स। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज द इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम। इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम मतलब कि कितने समय तक वो ड्रग इंटेस्टाइन के अंदर रह रहा है उसके ऊपर उसका एब्जॉर्प्शन डिपेंड करेगा। यदि वहाँ पे वो फास्ट मूव हो गया तो उसका एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगी, और यदि वहाँ पे वो स्लो मूव हो रहा है मीन्स जो ट्रांजिट टाइम है वो ट्रांजिट टाइम कम ज़्यादा है तो उस कंडीशन में उनका एब्जॉर्प्शन क्या होगा वो फास्ट होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ट्रांजिट टाइम कम होंगी तो एब्जॉर्प्शन स्लो होंगी, ट्रांजिट टाइम ज़्यादा होगी तो एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएंगी एब्जॉर्प्शन वो फास्ट हो जाएंगी। अभी जो ट्रांजिट टाइम है किसी भी ड्रग का जो ट्रांजिट टाइम होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे इंटेस्टाइन की मोटिलिटी क्या है। यदि वहाँ पे मोटिलिटी ज़्यादा होंगी तो उस कंडीशन में क्या होगी, पहले हम ये देखते हैं कि मोटिलिटी का रोल क्या है। जो मोटिलिटी होती है, जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी होती है, उसका मेन पर्पस होता है कि जो भी फूड कंटेंट है, जो भी कंटेंट इंटेस्टाइन के अंदर है उसकी प्रॉपर मिक्सिंग हो, और जब वहाँ प्रॉपर मिक्सिंग होगी तो वहाँ पे जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाता है। वो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसे फास्ट हो जाएगा, तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि जो यदि उसकी मोटिलिटी फास्ट होगी तो वहाँ पे जो डिसोल्यूशन होगा डिसोल्यूशन भी ज़्यादा हो जाएगा, डिसोल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा, और इसके साथ साथ उसका जो मेम्ब्रेन से कॉन्टैक्ट होगा वो कॉन्टैक्ट भी इंक्रीज होगा। जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी होगी वो ड्रग के मॉलिक्यूल के मेम्ब्रेन से कॉन्टैक्ट को इंक्रीज करवाती हैं, और दूसरा ड्रग के डिसोल्यूशन को भी इंक्रीज करती हैं, और इन दोनों के चलते जो मोटिलिटी होंगी वो मोटिलिटी ड्रग के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगी। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे ही हो सकते हैं जहां हमें इस मोटिलिटी को डिले करना पड़ेगा, मीन्स जो ट्रांजिट टाइम को लंबा करना होता है उसके और एक्सटेंड करनी पड़ती है। वो कंडीशन क्या क्या है, किस कंडीशन हमें ट्रांजिट टाइम को एक्सटेंड करनी है, कि सपोज करें कि हमारे पास कोई ड्रग हमने एडमिनिस्टर किया वो सस्टेंड रिलीज ड्रग है, मीन्स जितना ज्यादा देर तक
तक इंटेस्टाइन के अंदर रहेंगे उतना ज्यादा अपना इफेक्ट वो प्रोड्यूस कर पाएंगे, मीन्स वो जितना ज्यादा वो एब्जॉर्ब हो पाएंगे। दूसरा क्या हुआ, एंटेरिकोटिक टैबलेट है, एंटेरिकोटिक टैबलेट भी हमारे इंटेस्टाइन में आकर डिसइंटीग्रेट होती है, तो इसका मतलब इनको डिसोल्यूशन के लिए टाइम चाहिए, मीन्स जितना ज्यादा देर तक इंटेस्टाइन में रहेंगे उतना उसकी ज्यादा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगी। और कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो सिर्फ इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होते हैं, तो वैसे ड्रग का भी जो इंटेस्टाइन के अंदर ट्रांजिट टाइम होनी चाहिए वो ट्रांजिट टाइम में ज्यादा होनी चाहिए। तो अब ये जो मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट वो डिपेंड करता है कि हमारा ड्रग है कि ड्रग की क्या विस्कोसिटी है। यहाँ पे बात और जान लें कि जैसे जैसे ड्रग कंटेंट या जैसे जैसे फूड मटेरियल नीचे की तरफ मूव करेंगे जीआईटी के अंदर इंटेस्टाइन की तरफ नीचे की तरफ मूव करेंगे टुवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन है, तो उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो विस्कोसिटी इंक्रीज होती चली जाती है। कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिस कंडीशन नेचुरली ट्रांजिट टाइम इंक्रीज रहती है। सपोज अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी में क्या होगा कि जो ट्रांजिट टाइम होगी इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगी। कुछ ड्रग्स ऐसे होंगे, कुछ ड्रग्स ऐसे होंगे जो ट्रांजिट टाइम को रिटार्ड कर देंगे, मीन्स या कुछ ड्रग ऐसे होंगे जो ट्रांजिट टाइम को प्रमोट कर देंगे। रिटार्ड करना मतलब कि ज्यादा देर तक वहां पे ड्रग रहेगा, और प्रमोट मतलब कि बहुत जल्दी बहुत आसानी से बहुत इजीली वो ड्रग इंटेस्टाइन से बाहर को निकल जाएंगे। उसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं इन द गैस्ट्रिक के कंटेंट, वही ड्रग उसी का सेम इफेक्ट यहां पर भी प्रोड्यूस होता है उन ड्रग के द्वारा। जैसे मान लीजिए लैक्टिव ड्रग दे रहे हैं तो वहां ट्रांजिट टाइम फास्ट हो जाएगी, जैसे हम मान लीजिए कोई एसिडिक ड्रग दे रहे हैं या हम जैसे एंटासिड एंटासिड का नाम लिया तो वो क्या करेगा, वो ट्रांजिट टाइम को इंक्रीज कर देगा। तीसरा उन्होंने ये देखा कि जो इंटेस्टाइनल ट्रांजिट होती है वो जीआईटी पीएच, जो जीआईटी पीएच है ये भी हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन का इफेक्ट करती है। और ये किससे अफेक्ट करेंगे, बाय अफेक्टिंग देयर डिसइंटीग्रेशन, देयर डिसोल्यूशन, एब्जॉर्प्शन एंड स्टेबिलिटी। इसके बारे में हम यहाँ डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं इन द फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स में, इसलिए इसमें बस इतना ही जान लें कि जो जीआईटी का पीएच होगा वो इन चीजों को अफेक्ट करेगा जो अल्टीमेटली ड्रग के एब्जॉर्प्शन को भी अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट इज द डिजीज कंडीशन, जो हमारे बॉडी के अंदर जो डिजीज कंडीशन है वो डिजीज भी ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती हैं। जैसे सपोज कहें कि डिजीज कंडीशन क्या हो सकता है, मेनली दो डिजीज कंडीशन है, एक हम नाम देंगे जीआईटी डिजीज कंडीशन और दूसरा हम नाम देंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिजीज कंडीशन। यदि सपोज जीआईटी के अंदर कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस आ गई, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन ऐसी क्रिएट हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को अल्टर कर देंगे, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को चेंज कर देंगे। जैसे क्या हो सकता है, मान लीजिए किसी कारण से वहाँ पर स्टार्टिंग मूवमेंट स्लो हो गई, तो यदि स्टार्टिंग मूवमेंट स्लो हो जाएंगी तो उस कंडीशन में वहाँ जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा वो अफेक्ट होगा, जो गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग होगी, जो ट्रांजिट टाइम होगी उसके ऊपर इनका इफेक्ट होगा। दूसरा होगा एक्रोहाइड्रिया, एक्रोहाइड्रिया मतलब क्या होगा कि जो स्टमक है वहाँ पर एसिड एब्सेंस है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि वहाँ पर एसिड एब्सेंट होगा तो वहाँ पर जो गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग रेट होगा वो गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग रेट काफ़ी फास्ट हो जाएंगी, मीन्स एक्रोहाइड्रिया के बारे में पहले हम जान चुके हैं। फिर वो क्या हो सकता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे वेली है, माइक्रोवेली है, किसी कारण से उनका डिस्ट्रक्शन हो गया, तो इससे क्या होगा उसका सरफेस एरिया कम हो जाएंगे, उससे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। किसी कारण से जीआईटी में सर्जरी की करनी पड़ गई, यदि जीआईटी की सर्जरी हो जाएंगी तो वहाँ पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम हो जाएंगे। तो इस तरह से जो डिजीज कंडीशन है, जीआईटी के डिजीज है, वो हमारे ड्रग के रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सपोज किसी कारण से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई और ब्लड प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही है, ब्लड की प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो रही है, उस कंडीशन में क्या होगा कि इंटेस्टाइन के अंदर एडिमा हो जाएगा, इंटेस्टाइनल एडिमा हो जाएगी और उस एडिमा के चलते ड्रग का एब्जॉर्प्शन स्लो डाउन हो जाएगा। जो ब्लड का फ्लो है इंटेस्टाइन के अंदर वो ब्लड का फ्लो भी कम हो जाएंगे, और जब ब्लड की फ्लो कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक वहाँ जो ड्रग होगा वो रेट ऑफ वहाँ ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगा। एक और पॉइंट यहाँ जानने की बात है कि हमारे जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन होती है वो एक्टिव एब्जॉर्ब, बहुत से ऐसे ड्रग हैं जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के द्वारा एब्जॉर्ब होती है बॉडी के अंदर, और एक्टिव प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन के एनर्जी की आवश्यकता होगी, और एनर्जी कहाँ से आती है तो फ्रॉम द ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कौन लाता है, वो ब्लड लाता है। मीन्स यदि क्या होगा कि ब्लड फ्लो वहाँ पे कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी और उससे एनर्जी कम होगी, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है एक्टिव मेथड के द्वारा जो ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है उसका एब्जॉर्प्शन वहाँ पे रिटार्ड हो जाएंगे, एब्जॉर्प्शन वहाँ पे स्लो हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा जीआईटी ब्लड फ्लो, इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब आई बात जीआईटी कंटेंट, हम सभी को मालूम है, पहले पढ़ चुके हैं कि जो फूड हम ले रहे हैं फूड ड्रग इंटरेक्शन होती है, वो जो फूड ड्रग इंटरेक्शन है वो हमारे ड्रग के जो हमारे जो ड्रग होंगे उसके एब्जॉर्प्शन में अफेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कि हमने मिल्क के साथ टेट्रासाइक्लिन दे दी तो वहाँ पे क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन रिटार्ड हो जाएगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स और चिलेक्स। उस तरह से ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, सपोज दो ड्रग हमने इकट्ठा दे दिया, एक साथ दे दिया और दोनों ड्रग आपस में रिएक्ट कर गई, तो उसका
कंडीशन में क्या होगा, उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट हो गया हमारा, दैट इज द प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म। प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म मतलब क्या हुआ कि जो ड्रग है वो ड्रग एब्जॉर्ब होने से पहले ही जीआईटी के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। सपोज एक वो ड्रग एसिडिक सेंसिटिव है तो स्टमक में क्या, स्टमक में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। या हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होती हैं, वो प्रोटीन सेंसिटिव ड्रग है, प्रोटीन एंजाइम के द्वारा हो सकता है उनका जो केमिकल नेचर, वो केमिकल नेचर चेंज कर दिया जाए। बहुत बहुत समय ऐसा भी होता है कि जीआईटी के अंदर बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया भी अपने एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं और वो बैक्टीरिया एंजाइम्स भी ड्रग को डिटेरियोरेट कर सकती हैं, ड्रग के नेचर को चेंज कर सकती हैं, तो वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगी। हमने आज स्टडी कर लिया कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे पैसेंट रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। और हमारा जो एब्जॉर्प्शन टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन टॉपिक है, जो सीरीज है, आज यह कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं समझाने में कामयाब रहूंगा, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।